मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में देखते हैं। अब इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आके उसका डोर ओपन करने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो लेडी काफी डर जाती है। उस लेडी के चिल्लाने की आवाज से वो अननोन आदमी यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो ये जब देखने के लिए यहाँ से बाहर निकलती है तो वो शख्स उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वही किलर एक ट्रक को लेके जा रहा होता है। इसके बाद में हम निकोल नाम के एक लड़की को देखते हैं। निकोल अपना सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड जेस के साथ में भागने वाली है। घर के बाहर जेस उसे पिक करने के लिए आता है और कार में बैठने के बाद में दोनों लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। निकोल को थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर जा रही है। दोनों लोग कार से जा रहे होते हैं और एक जगह पर रुक के दोनों लोग साथ में इंटीमेट होते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं कि वही किलर ट्रक वाला इन दोनों पर नजर रखे हुए है। अब कुछ समय बाद में ये दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जेस अपने कजन के पास में कॉल करके उसके साथ में रहने के लिए कहता है, लेकिन उसका कजन उसे मना कर देता है। अब इतने में वो ट्रक उन्हीं के सामने आता है जिसे टकराने से वो लगभग बच जाते हैं। जेस उस ट्रक वाले पर काफी चिल्लाता है लेकिन ट्रक वाला कोई भी रिस्पॉन्स किए बगैर यहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से दोनों लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब काफी देर से ट्रैवल करने के बाद में निकोल को वॉशरूम की जरूरत लगती है, जिससे वो जेस को किसी रेस्ट स्टॉप पर रुकने के लिए कहती है। जेस पास के एक रेस्ट स्टॉप पर अपनी कार को रोकता है, जिसके बाद में निकोल जल्दी से वॉशरूम की ओर चली जाती है। वॉशरूम के अंदर पहुंचने पर वो देखती है कि ये वॉशरूम काफी पुराना है, जिसकी हालत काफी खराब है। वो जल्दी से अपना काम फिनिश करती है लेकिन जाते समय उसे किसी की यहाँ पर आहट सुनाई देती है। निकोल को लगता है ये कोई जानवर है, जिसे नजरअंदाज करके वो यहाँ से चली जाती है। अब बाहर आने पर वो देखती है कि जेस यहाँ पर नहीं है। वो काफी हैरान होती है, जिसके बाद में वो फोन निकाल के उसे कॉल करती है, मगर यहाँ पर उसके फोन में बैटरी नहीं थी। निकोल काफी घबरा जाती है। अब तभी उसके सामने वही ट्रक दिखता है। वो उससे हेल्प मांगने की सोचती है लेकिन वो ट्रक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद में निकोल पास के फोन बूथ से पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन इसमें फोन का वायर टूटा था। इसी बीच में उसकी नजर वहाँ पर लगे पोस्टर्स पर पड़ती है, जिसमें लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स थी। अब कुछ देर बाद में वो ट्रक वाला वापस आता है। वो रास्ते में निकोल को कुचलकर मारने वाला था, लेकिन निकोल किसी तरह बच जाती है और वो ट्रक ड्राइवर जाते समय एक फोन उसकी ओर फेंक देता है। निकोल देखती है तो उसे पता चलता है कि ये फोन जेस का है। इसे देख के निकोल समझ जाती है कि उस ट्रक ड्राइवर ने ही जेस के साथ में कुछ किया है। अब निकोल यहाँ के एक कंट्रोल रूम के पास में जाती है। यहाँ पर वो रेडियो के जरिए हेल्प मांगने का ट्राई करती है, लेकिन इससे उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो पास में ही पड़ी एक वाइन की बोतल को पीती है और बाद में यहाँ पर टीवी को ऑन कर देती है। इस वीडियो में वो जेस और खुद के साथ में इंटीमेट होने वाली वीडियो को देखती है। इसे देख के वो काफी हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद में अब यहाँ रेडियो से कुछ जवाब आता है। निकोल हेल्प मांगते हुए अपनी सिचुएशन बताती है, जिसके बाद में वो जो रेडियो पर शख्स था वो कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं पुलिस को लेके आ रहा हूँ। रेडियो कट करने से पहले निकोल उसे उसका नाम पूछती है, तो वो जो शख्स था वो अपना नाम जेस बताता है, जिस पर निकोल इससे काफी हैरान होती है। कुछ देर बाद में जो रात हो जाती है, तब निकोल बाहर निकलती है। बाहर यहाँ जेस की कार खड़ी थी। निकोल जल्दी से कार में जाके उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी दौरान यहाँ पर वही ट्रक वाला आता है और वो पीछे से कार में टक्कर मार देता है। वो ट्रक वाला फिर से एक बार टक्कर मारने वाला था, लेकिन जल्दी से निकोल इसमें से निकल जाती है। निकोल उस ट्रक ड्राइवर पर काफी एंग्री होती है। वो उससे कहती है कि तुम अब बचने वाले नहीं हो, यहाँ पर जल्द ही पुलिस आने वाली है। लेकिन अब उसी ट्रक में से वही आवाज आती है जो रेडियो से आई थी। इसका मतलब यह है कि रेडियो पर यही शख्स था। निकोल को पास में एक ट्रेलर दिखता है, जिसके बाद में वो जल्दी से उसी के अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर यहाँ पर कुछ लोग होते हैं। निकोल अपनी सिचुएशन बताते हुए कहती है कि उसके पीछे एक किलर पड़ा हुआ है। वो उनसे फोन मांगती है, लेकिन वो जो लेडी थी वो काफी अजीब स्माइल के साथ में कहती है कि वो फोन यूज नहीं करती। निकोल को अब तभी यहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है। निकोल जल्दी से चेक करने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर एक अजीब डिफॉर्म बच्चा कैमरे को यूज कर रहा है। बाकी के लोग निकोल का ये बिहेवियर देख के उसे ट्रेलर से बाहर निकाल देते हैं। निकोल एक बार दोबारा वॉशरूम में जाती है। वो यहाँ पर लिखे दीवार के मैसेज को ध्यान से पढ़ती है, जिससे निकोल को पता चलता है कि वो किलर कई सालों से लोगों को मार रहा है। अब इसी बीच में निकोल को यहाँ किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। निकोल जल्दी से चेक करती है और जब वो वहाँ का डोर खोलती है तो उसके
उसके पीछे एक डरी हुई लड़की छिपी थी। ये लड़की वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। निकोल उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम ट्रेसी बताती है। ट्रेसी कहती है कि एक ट्रक ड्राइवर उसके पीछे पड़ा हुआ है, तब से वो यहीं पर छिपी है। बाहर एक बार फिर से वो किलर आ गया होता है। निकोल जल्दी से यहाँ का डोर क्लोज कर देती है, लेकिन वो किलर फिर भी इसे खोलने की कोशिश करता है। निकोल उससे इसी दौरान कहती है कि मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, और इसके बाद में वो किलर यहाँ से ट्रक लेके चला जाता है। निकोल ट्रेसी से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। उसे खोलने के लिए निकोल बाहर से एक सरिया लाती है, लेकिन अंदर आने पर निकोल देखती है कि वो लड़की यहाँ नहीं है। निकोल जल्दी से अब बाहर उसी फोन बूथ के पास में जाकर मिसिंग रिपोर्ट्स चेक करती है। वो देखती है कि ट्रेसी की फोटो यहाँ पर लगी है। निकोल को पता चल जाता है कि वो ट्रक ड्राइवर एक सीरियल किलर है। निकोल काफी रो रही होती है, लेकिन इसी तरह उसे बाहर बाइक की आवाज सुनाई देती है। निकोल बाहर देखती है तो ये पुलिस होती है। ये पुलिस ऑफिसर उसे बचाने के लिए आया होता है। निकोल ऑफिसर को पूरी बात बताती है, जिसके बाद में वो ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब इसी दौरान वो ट्रक भी यहाँ आता है। निकोल ऑफिसर से कहती है कि ये वही ट्रक है। वो ऑफिसर अब बाहर जाके उस ट्रक ड्राइवर से बात करता है। इसके बाद में ऑफिसर निकोल से बताता है कि वो ट्रक ड्राइवर कह रहा है कि वो यहाँ पर पहली बार आया है, लेकिन अब इतने में वो ट्रक वाला उस ऑफिसर पर ट्रक चढ़ा देता है। वो ऑफिसर टकरा के नीचे गिर जाता है। निकोल जल्दी से ऑफिसर को बचाने के लिए आती है, लेकिन तब तक वो किलर ऑफिसर के पैर पर ट्रक चढ़ा देता है। निकोल जल्दी से अब ऑफिसर को वॉशरूम के अंदर ले जाती है। ऑफिसर की हालत काफी खराब हो गई थी। वो अपने पर्स से निकोल से एक फोटो को निकालने को कहता है। ये फोटो उसकी फैमिली की थी और इसके बाद में उसकी हालत काफी गंभीर हो जाती है। अब इसी दौरान वो किलर वॉशरूम को बाहर से लॉक कर देता है। निकोल उसी सरिये की मदद से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। वो उंगली डाल के लॉक को अनलॉक करने का ट्राई करती है, लेकिन वो किलर उसकी उंगली काट लेता है, जिसके बाद में डोर ओपन नहीं होता। अब वो किलर विंडो के जरिए निकोल के पास में एक कैमरा देता है। उस कैमरे में निकोल देखती है कि जिसके साथ में टॉर्चर किया गया है। इसे देख के निकोल काफी दुखी होती है, लेकिन इसके बाद में अब वो किलर विंडो से केरोसिन ऑयल को अंदर डालने लगता है ताकि अंदर आग लग जाए। इधर वो ऑफिसर कहता है कि मेरी गन से तुम मुझे शूट कर दो, क्योंकि मैं तड़प के मरना नहीं चाहता। लेकिन इसके बाद में वो किलर विंडो से लाइटर को अंदर फेंक देता है और यहाँ पर आग लग जाती है। निकोल वहाँ से अब छत पर चली जाती है और वहाँ से वो बच के बाहर निकल जाती है। यहाँ से निकलते वक्त निकोल अपने पास्ट की यादों को याद करती है, जिसमें वो जेस के साथ में थी। अब एक बार फिर से वो ट्रक दोबारा आता है। वो किलर ट्रक में से निकलता है, जिसके बाद में निकोल उसी रॉड की मदद से उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद में उसकी तुरंत मौत होती है। अब जब निकोल उसे पलट के उसका चेहरा देखती है, तो वो ये देखती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड जेस है। उसका मुंह सिला हुआ था ताकि वो कुछ बोल ना पाए। ये देख के निकोल बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि उसी की वजह से उसका बॉयफ्रेंड मारा गया। लेकिन अब निकोल अब इन सबका बदला लेना चाहती है। वो रेंजर्स ऑफिस जाती है, वहां से वो वही वाइन की बोतल को उठाती है और वापस ट्रक के पास में आने के बाद उसमें से फ्यूल बोतल में भर लेती है। कुछ दूर जाने के बाद में निकोल को वही किलर वाला ट्रक उसी की ओर आता हुआ दिखाई देता है। निकोल उसी बोतल में आग लगा के ट्रक पर फेंक देती है, जिसके बाद में ट्रक में आग लग जाने से वो ब्लास्ट हो जाता है। निकोल उसे चेक करने के लिए पास में जाती है, लेकिन ट्रक में किलर नहीं था, बल्कि किलर उसके पीछे आ जाता है। ये किलर अब उस पर हमला करके उसे पकड़ ले जाता है। अब हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसी रेस्ट स्टॉप पर अपनी कार रोकती है। इस जगह पर पेंटिंग का काम चल रहा था। वो लेडी यहाँ के वॉशरूम की ओर जाती है, लेकिन उसे ये सिर्फ रोकते हुए कहता है कि यहाँ ताजा पेंट किया गया है, तो वो ध्यान से जाए। अब जब वो लेडी वॉशरूम में जाती है, तो उसे किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। वो काफी डर जाती है, जिसके बाद में वो जल्दी से बाहर जाके उसी शेरिफ को अंदर बुला लाती है। शेरिफ जल्दी से अंदर आके उसे यहाँ पर ढूंढता है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। मगर हम ये देखते हैं कि निकोल दूसरी ओर से छिप के इन्हें देख रही है। उसका बिहेवियर और फेस काफी चेंज हो गया है और वो इस समय बिल्कुल ट्रेसी की जैसी हालत में है। अब इसके बाद में हम उसी ट्रक को देखते हैं जो अपने नए शिकार की ओर जा रहा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन जेस की बॉडी को दफना रहा है। उसका बेटा उसकी वीडियो बना रहा होता है, लेकिन ओल्ड मैन के पता चलने पर वह उसे डांटते हुए कहता है कि ये हमारा सीक्रेट काम है। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2006 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है रेस्ट स्टॉप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।